दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच टीम ने व्यक्ति से हुई सनसनीखेज लूट का पर्दाफाश किया है। आपको बता दें कि पुलिस ने मामले में 3 लुटेरों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि 21 अगस्त को एक व्यक्ति गुरुग्राम में स्थित अपने कार्यालय जाने के लिए ISBT आनंद विहार पर वाहन की प्रतीक्षा कर रहा था, तभी सफेद रंग की मारुति डिजायर कार में सवार 3 अज्ञात व्यक्तियों ने उसे दिल्ली जाने के लिए लिफ्ट के लिए पूछा, जिसके बाद वो कार में बैठ गया। कुछ दूरी के बाद आरोपियों ने उसका मोबाइल फ़ोन और पर्स छीन लिया और उसे अज्ञात स्थान पर फेंक दिया। उसके बाद पीड़ित व्यक्ति ने पटपड़गंज औद्योगिक क्षेत्र में थाना क्षेत्र में जो है शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने लूट का सामान भी बरामद किया है। गिरफ्तार आरोपी के नाम फारूक, शबाब और यामिन बताए जा रहे हैं।